गुड मॉर्निंग पिलावने मु तुम मानू सुविद्या कार्यक्रम को स्वागत जनाऊे। गत क्लास रे आम मानकर प्रथम अध्याय शेष होता। प्रथम अध्याय तुम छोटी विषय छोटी पाठ अच्छी से सब सरी जाइला। आज आम एक नूतन अध्याय को अग्रसर हवा द्वितीय अध्याय जोटार विषय वस्तु तुम रही स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन ओडिया जातीयतार विकास। यही विषय आम आसीजा प्रथम अध्याय तुम भारत कथा पढ़ी आउ द्वितीय अध्याय आम आम ओडिशा कथा पढ़वा कहीं आम निजकू ओडिया भाव भारी गर्व करू। जो ओडिया हबार जो स्वतंत्रता आमको मिलता से केतेज महामनुष्य त्याग जो आज आम ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन हो पारी एवं आम निजक ओडिया कही गर्व करे ना कौन कौच। तेणु आम ओडिया स्वतंत्र प्रदेश हबार आम को कौन साहय करा आमर जातीयता भाव कहीं ना ये गोटे जातीयता भाव एभली एक भाव जहाँ आम रक्त सहित संश्लिष्ट यहाँ प्रत्येक मनुष्य भितर रही निज देश निज मातृभूमि को भल पाइबा हूँ जातीयता। तेणु यही जातीयता भाव आमर किपर विकास होता ता विषय आज आम पढ़ा ओडिया जातीयतार विकास। आम ओडिशा हूँ गोटे परंपरा आ संस्कृतिपूर्ण प्रदेश। यह गंगा ठार गोदावरी पर्यंत विस्तृत थिला। सारा भारत रे मुसलमान शासन प्राधान्य बेले ओडिशा रे हिंदू राजा मैंने शासन करुथिले। तेणु यही हिंदू राजा मैंने उत्कलीय संस्कृति एवं सभ्यता को उत्कर्षर स्थान आनी देथिले। 1568 मसीह रे प्रथमे ओडिशा तार स्वाधीनता हरैला कारण सेतेबेले आसिले प्रथमे अफगान आसिले एवं परे मोगल एवं ता परे परे मराठा माने आसी ओडिशा रे राजत्व कले। 1803 रे इंग्रेज माने ओडिशा को अधिकार कले। जदियो बहुत पूर्वर भारत को इंग्रेज माने आसीथिले किंतु बहुत डेरी रे से माने ओडिशा को अधिकार करथिले। सेटा भी आम पई गोटे गर्व एवं गौरवर कथा कारण आम ओडिशा सबुबले स्वतंत्र सबु कथा रे स्वतंत्र संस्कृति रे सभ्यता रे भाषा रे सबुतरे आम स्वतंत्र। यही ओडिशा रे जेतेबेले इंग्रेज शासन प्रतिष्ठा हेला सेतेबेले ओडिशा रे पाश्चात्य शिक्षार प्रचलन आरंभ कले। से तुम जाच पाश्चात्य शिक्षा मान कौन इंग्रज शिक्षा ओडिया मान आम ओडिशा रे इंग्रज शिक्षार प्रचलन जेतेबेले हेला सेतेबेले ही आम ओडिशा रे भाषा प्रति ओडिया भाषा प्रति आमर जो सम्मान सेटा बढ़िवारे लागिला एवं धर्म धारा रे मध्य आमर परिवर्तन घटिला। किंतु एही समय रे 1866 मसीह रे आमर कौन हेला ना गोटे विराट बा बड़ दुर्भिक्ष पड़ा जार ना तुम जान नक दुर्भिक्ष। 1866 रे न अंक नक दुर्भिक्ष पड़ा जहाँ ओडिया जातिर छाती को थरी देता बहुत लोक ये मृताहत होते नक दुर्भिक्ष ओडिया जाति जाग्रत हो उठिला। बहुत लोक मृताहत पर आम ओडिया जाति जाग्रत होगा जातीय चेतनार भाव आनी दे लोक मन एवं शिक्षित युवगोष्ठी से मैंने ओडिशार नूतन निर्माण पर चेष्टा आरंभ करदे। यह नवजागरण को अधिक त्वरान्वित विभिन्न कारण जो पराधीन ओडिशा रे नवचेतनार आरंभ होता। यो विभिन्न कारण यो नवचेतनार आरंभ हाँपी क्यों कारण सब दायी से विषय आम पढ़ा से प्रथम कारण ओडिशा रे शिक्षार प्रसार ओडिशा रे शिक्षार प्रसार पिला माने तमे जानिच शिक्षा होची आम सभ्यता संस्कृति रो मूल द्वार। शिक्षा बिना आम प्रगति उन्नति करि पारिबानी तेणु शिक्षा रो प्रसार जो ही आम मनरे जातीयतार नुआ उद्दीपना सृष्टि होता। ऊनविंश शताब्दी द्वितीयार्धरे
ओडिशा रे इंग्रज शिक्षार प्रसार घटीला। इंग्रज भाषार प्रचलन फल एक उद्देश्यपूर्ण व संगठित जातीय जागरण सृष्टि हो पारि। 1823 रे प्रथमे ख्रिस्टियन धर्म प्रचारक माने कटक एक दातव्य विद्यालय प्रतिष्ठा कले। दातव्य शब्दर अर्थ है मागणा शिक्षा प्रदान करने। एटा ख्रिस्टियन धर्म प्रचारक माने प्रथमे आमर कटक आरंभ करथिले एवं एहा जो दातव्य अनुष्ठान 1841 रे इंग्रज सरकार द्वारा परिचालना होइतिला। ए जो शिक्षार प्रसार इंग्रज मान द्वारा शिक्षार प्रसार आरंभ होइतिला तमे जानिचो कटक सेतेबेले थिला ओडिसार राजधानी, पुरातन ओडिसार राजधानी थिला कटक, किंतु वर्तमान भुवनेश्वर होचा आम ओडिसार राजधानी। 1830 मसीह रे ओडिया रक्षणशील संप्रदायर व्यक्ति माने बुद्धिजीवी माने कौन कले ना इंग्रज शिक्षा को ग्रहण कले नहीं, तेणु आमर बौद्धिक प्रसार व बौद्धिक शिक्षा बाधाप्राप्त है। किंतु 1854 मसीह चार्ल्स वुड पाठ्यक्रम संस्कार नियम प्रणयन तथा एवं 1857 मसीह कलिकता विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा आम ओडिशा रे शिक्षार प्रसार क्षेत्र में गोटे गोटे माइल खुंट बोली कहवा को हम। 1858 ओडिशा रे केवल पुरी कटक और बालेश्वर जिले में गोटे गोटे जिला स्कूल प्रतिष्ठित होता एवं आउ किसी सदर महकुमारे गोटे गोटे प्राथमिक विद्यालय थिला। एभली भाव में सर्वमोट ओडिशा रे सेते बड़े शिक्षा अनुष्ठान संख्या थिला मात्र 33 एवं ए जो विद्यालय गुड़ी करे एवं बालक व छात्र मानकर संख्या अति स्वल्प थिला। 1867 रे कटक जिला स्कूल को उन्नत करा जाए उच्च माध्यमिक विद्यालय रे बा इंटरमीडिएट महाविद्यालय भावे उन्नत करा जाए थिला एवं एहा कलिकता विश्वविद्यालय सहित अनुबंधित होइथिला। 1868 जनवरी मास 20 रु कटक जो है इंटरमीडिएट स्कूल एवं सेठी मात्र 6 जन छात्र विद्या अध्ययन करथिले, सेमानक मध्यरु जने थिले मधुबाबू। मधुबाबू को समस्ते तुम्हें मधु बारिस्टर बोली जानो एवं से सबु भारतर आम ओडिशार सबु घरे घरे परिचित मधुबाबू नाम रे। से उक्त वर्ष से कौन कले ना FA पास करथिले। तापरे से जाइथिले 1870 रे कलिकता विश्वविद्यालय को जाइथिले BA पढ़ापी एवं सेठारे से BA पास कला आम ओडिशार प्रथम स्नातक भाव से परिचित होइथिले। तापरे से कौन कले 1873 रे MA पास कले एवं 1878 रे से BL डिग्री हासिल करनेइथिले जहाँकि ओडिशा रे प्रथम स्नातक एवं तथा प्रथम वकिल तथा जे कि आईन व्यवसाय करती से आम वकिल कहू, तेणु से सारा ओडिशा रे से गौरव अर्जन करथिले। तेणु ताकु आम ओडिशा रो प्रथम कौन स्नातकोत्तर छात्र भाव ग्रहण करूँ। ता जो कटक रे सेते बड़े अवस्थापित थिले कमिशनर TE रेभेन्सा, तांको नाम अनुसार से कलेज सार ना रखागला रेभेन्सा कलेज, जोटा कि तुम्हें कौन होता उन्नत होता इंटरमीडिएट ताकू BA करागला, सेठी BA खोलागला अर्थात स्नातक श्रेणी खोलागला सेठी एवं ता ना रहिला रेभेन्सा कलेज। एवं एही भावरे आमर ओडिशा रे शिक्षार प्रसार घटीला। कलेज एवं शिक्षानुष्ठान विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय ए सब जो प्रति क्षेत्र में शिक्षार प्रसार पर गोटे गोटे अनुष्ठान थिला ताहा आमर शिक्षार प्रसार घटाइबारे बहु साहाज्य करथिला एवं एही विद्यालय मानकरे बहु ओडिया युवक उच्चतर शिक्षा लाभ करिवार सुजोग पाइथिले। जो माने कि विदेश को जाई पर नथिले सेतबेले सेमानक पाखरे अर्थर बहुत अभाव थिला, तेणु से मैंने यही ओडिया को जातीयता को जाग्रत करी ओडिया भाषा तथा संस्कृति एवं ओडिशा एकत्रीकरण करने चेष्टा करथिले एवं सेमानकर स्वर उत्तोलन करथिले जहाँफल कि ओडिशा रे जातीयतार विकास घटीला। एवं एही भाव में आम ओडिशा जातीयतार विकास को धारा चालू रही आज विषय वस्तु। आगामी अध्याय आम आउ परवर्ती विषय वस्तु को पढ़िबा। धन्यवाद।